मेरी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है करवा चौथ का व्रत, जो कि अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। व्रत हमने ले रखा है और निर्जला व्रत ले रखा है सभी ने, और सब इकट्ठे हो रखे हैं। यहाँ तो हो गई अभी हमारी कथा शुरू, तो आप भी बने रहे मेरे साथ और माँ करवा हम सभी की पति की लंबी आयु करे और हमेशा उनको स्वस्थ और निरोग रखे, यही हमारी माता करवा से प्रार्थना है। जय करवा भैया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीधी हो, सपूती हो, साथ बेटे की माँ हो, मेरे भाई का सुख दे, मेरे सुहागन करवा दे, मेरे सुहागन करवा दे। प्रसाद वितरण भी हो गया है क्योंकि अब सब अपने अपने घर जाएंगे और फिर शाम को चंद्रमा को अर्घ दे करके हम लोग सब अपना अपना व्रत तोड़ेंगे। कोई लोटे में ले रहा प्रसाद, अब मेरा तो इसमें डाल दे, पेपर में डाल दे भाई। ये बस प्रसाद भी मिल गया दोस्तों। अब हम शाम को खोलेंगे व्रत अपना, जब चंद्रमा देवता हमें दर्शन देंगे। और मुझे हमें पता है ना कि चंद्रमा देवता बहुत लेट आएंगे। अब बनाते हैं खाना बनाने की तैयारी। मैंने अभी नस निकाल दी, नस में उलझन हो रही है, तो अभी खाना बनाते हैं। और खाना बनाने के बाद प्याज चांदना से दिखाएगा, ज़्यादा तेल लगाएगा चांदाने में, तो अभी चांद के नखरे उठाने हैं हमने, तो तब तक हम खाना बनाते हैं। फटाफट खाना बनाती हूँ, तैयार होकर फिर
उसके बाद दर्शन करेंगे शाम के। और लग रही है दोस्तों की भूख वगैरह कुछ नहीं लगी आज, मतलब ऐसे हम लोग जैसे निर्जल व्रत करते हैं ना तो इतना कुछ नहीं लग रहा है कि भूख प्यास कुछ नहीं है, बस एक धूम की व्रत लेना है और बहुत ही खुशी खुशी लेना है। तो वही है, सब लोगों ने अच्छे से कीर्तन किए और एंजॉय किया साथ में मिलकर सभी लोगों ने, हमने दोस्तों ने। तो दोस्तों चांद निकल आया है और हमारी तैयारी हो गई है चांद पूजने की, और उसके बाद हम खोलेंगे करवा मैंने भर दिया है, पानी का भी गिलास भर दिया है, प्रसाद भी बन गया है। Yeah.